नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है बेल कोलमन साइकिल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेल कोलमन साइकिल क्या होती है, किस साइकिल को हम बेल कोलमन साइकिल कहते हैं और बेल कोलमन साइकिल किसी और डिफरेंट नाम से भी जानी जाती है या नहीं। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो बेल कोलमन साइकिल है इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, क्या इसके प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम होते हैं। थर्ड हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इट्स सीओपी, इसकी सीओपी किस तरीके से हम लोग डिराइव करते हैं, राइट। एंड फोर्थ हम लोग देखेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ बेल कोलमन साइकिल। तो ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम वालों के लिए। सेमेस्टर एग्जाम वालों के लिए डेरिवेशन, दैट मीन्स पूरा पूरा डेरिवेशन आता है कि डिराइव द बेल कोलमन साइकिल, ये डिराइव द सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बेल कोलमन साइकिल, तो वो भी मैं बताऊंगा। बाद में हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे से दैट मीन्स की पॉइंट्स इस साइकिल के रिगार्डिंग, जो जो की पॉइंट्स हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट ईच एंड एवरीथिंग हमारा क्लियर हो रिगार्डिंग बेल कोलमन साइकिल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेल कोलमन साइकिल। तो बेल कोलमन साइकिल जो है, दैट मीन्स बेल कोलमन था एक साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने एक साइकिल बनाई इसलिए उसका नाम होगा बेल कोलमन साइकिल, राइट। इस बेल कोलमन साइकिल को बेटा आप रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी बोल सकते हैं, राइट। ब्रेटन साइकिल आप लोगों ने देखा होगा, द ब्रेटन साइकिल इज अ पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल दैट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, जो हमारे एयरक्राफ्ट इंजन है, जो गैस पावर साइकिल्स हैं उनके अंदर हम यूज करते हैं। तो ब्रेटन साइकिल को अगर मैं रिवर्स कर देता हूं तो वो साइकिल बन जाती है क्या, बोले सर आपकी बेल कोलमन साइकिल। तो बेल कोलमन साइकिल को रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी हम बोल सकते हैं। सेकेंड थिंग यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो आपकी बेल कोलमन साइकिल है उसको हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बोल सकते हैं, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बोल सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर व्हाई द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये हम लोग लास्ट में करेंगे जब मैं आप लोगों को इसके एप्लीकेशंस बताऊंगा, राइट। चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि जो मेरी बेल कोलमन साइकिल है उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, क्योंकि जब तक मुझे प्रोसेसेस का ज्ञान नहीं होगा, जब तक मुझे इसके प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम का ज्ञान नहीं होगा, जब तक मुझे इसके दैट मींस कंपोनेंट्स का ज्ञान नहीं होगा, तब तक मैं इसका एक्सप्रेशन नहीं कर सकता हूं। तो हम लोग यहां पर देखते हैं बेसिकली बेटा हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक्चुअल में बेल कोलमन साइकिल के अंदर। तो कंपोनेंट हम लोग देखेंगे, दैट मीन देयर इज अ कंप्रेसर, फिर हम लोग क्या कह देंगे, दिस इज द हीट एक्सचेंजर, फिर हम लोग कह देंगे दैट मींस एक्सपांडर, और फिर हम लोग कह देंगे दैट मींस देयर इज अ हीट एक्सचेंजर। डिफरेंट बुक्स के अंदर जो ये मैंने यहां पहला जो हीट एक्सचेंजर लगाया हुआ है इसको कई बुक्स में बोला गया है रेफ्रिजरेटर, और ये जो दूसरा हीट एक्सचेंजर जो हीट रिजेक्ट कर रहा है उसको बोला गया है कूलर। तो दैट मींस आप देख सकते हो वहां भी अगर आपने देखा हो कि जो कूलर और रेफ्रिजरेटर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, ओनली दे आर ट्रांसफर ओनली हीट, एक हीट को एब्सॉर्ब करेगा सेकेंड हीट को रिजेक्ट करेगा, तो दे आर हीट एक्सचेंजर्स। तो हम लोग इनको बोल सकते हैं कि दैट मीन्स देयर इज अ हीट एक्सचेंजर, तो वो भी गलत नहीं है, हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए, दैट्स व्हाई मैंने इसको यहां पर लिखा है, क्लियर है। दूसरा हम लोगों ने बात करते हैं इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सर जो हमारी बेल कोलमन साइकिल है इट इज यूज्ड फॉर द रेफ्रिजरेशन पर्पस, लाइक एयर रेफ्रिजरेशन, जो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन जो है आपके जो प्लेन्स वगैरह चलते हैं उनके अंदर जो रेफ्रिजरेशन हम लोगों को करवाना होता है हम लोग इसी साइकिल को यूज करते हैं। अब हमारे पास बात ये आती है कि सर जब रेफ्रिजरेशन साइकिल है तो हमको रेफ्रिजरेंट की भी जरूरत होगी, मैंने बोला यस, तो सर व्हाट इज द रेफ्रिजरेंट, तो यहां पर मैंने साफ साफ लिखा है कि एयर इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, इस साइकिल के अंदर हम एयर एक रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज करते हैं, क्लियर है, हो गया सारी चीजें। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। तो जो बेल कोलमन साइकिल है उसमें दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक और दो
आइसोबारिक प्रोसेस होती हैं। तो आप देख सकते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2-3 कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, 3-4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, दैट मीन्स 4-1 इज अ कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। हीट एब्जॉर्प्शन जहां भी हम लोग अपना जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम लोग ले रहे हैं, यहां जम हाँ हम लोगों को लो टेम्परेचर मेंटेन करता है, वहां से वो हीट को एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग को रिजेक्ट कर देगा। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन कौन सी प्रोसेस होती है बैल कोलिमन साइकिल में। तो आप कहेंगे 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक और 2 दैट मीन्स आइसोबारिक। अब इन्हीं प्रोसेसेस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बैल कोलिमन साइकिल का प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपके सामने मैंने बनाया प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम। हम लोगों ने 2 रेंज ली, एक लोअर प्रेशर की और एक हायर प्रेशर की। तो आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल है, तो दैट मीन देयर इज अ 1-2, इट इज द पीवी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, 1-2 आपका कंप्रेशन हो रहा है जो रिवर्सिबली एडियाबैटिक है, 2-3 आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है, 3-4 आप देख रहे हैं अगेन दैट मीन्स रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है इन एक्सपांडर, और 4-1 हम क्या कह रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज अ हीट एब्जॉर्प्शन और विच अकर्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये आपका हो जाएगा प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम। अगर उसके बाद हम टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम पे चलते हैं, तो दैट मीन्स अगेन वेरी सिंपल, 1-2 आपका कंप्रेसर लगा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक अगर आप कहते हैं तो हम लोग कह सकते हैं which is isentropic। तो आपको साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा होगा दैट मीन्स आइसेंट्रॉपिक, बोलिए हाँ या ना। बोला सर हाँ, विच इज आइसेंट्रॉपिक। तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर आप लोगों के सामने दैट मीन्स व्हाट, बोला सर S2 इज इक्वल्स टू S1। अगेन हम लोगों ने यहां पर देखा 2-3 इज द कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन एंड 3-4 अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, S3 इज इक्वल्स टू S4 and 4-1 is what, well, sir, it is the heat absorption again what, well, sir, at constant pressure। तो ये आपके दोनों ही constant pressure process हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। Clear है? तो pressure and volume and temperature entropy diagram Bell Coleman cycle के आपके सामने ये बनेंगे, दोनों ही very important है। अब हम लोग next task पे चलते हैं, that means coefficient and performance, कि सर जो performance हमें जो बैल कोलिमन साइकिल देगी उसका डेरिवेशन हम लोगों को करना है। तो जो सेमेस्टर एग्जाम वाले बच्चे हैं उनको मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके एग्जाम में आता है कि सर डिराइव द बैल कोलिमन साइकिल और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बैल कोलिमन साइकिल, तो मेरे बच्चे आप लोगों को ये डायग्राम भले ही आप रहने दीजिएगा, आपको ये प्रोसेसेस लिखनी है। जैसे ये प्रोसेसेस आप कंप्लीट करेंगे, प्रोसेसेस कंप्लीट करने के बाद आपको ये प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम बनाने हैं। जैसे डिट्टो मैंने बनाए हैं वैसे ही सेम आपको बनाने हैं, क्योंकि अगर आपको मार्क्स लेना है तो विदाउट डायग्राम और प्रोसेसेस आप दैट मीन्स मार्क्स नहीं ले पाएंगे, राइट? तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसकी सीओपी पर। तो बेसिकली बेटा हम लोगों को पता है सीओपी क्या होती है, बोला सर डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। तो यहां पर हमारा क्या इफेक्ट है, बोला सर डिजायर इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और हम लोग क्या ले रहे हैं, दैट मीन देयर इज अ वर्क इनपुट हमको देनी पड़ेगी। तो अगर मैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालता हूं हमारी बैल कोलिमन साइकिल का इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, तो आप लोगों को साफ साफ यहां पर दिख जाएगा, मैं पहले ही लिख के आया, बोला सर इट इज H1 - H4। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोगों ने बोला ये आपका कंप्रेसर लगा, 2-3 हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, 3-4 मेरा एक्सपेंडर लगा। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा यहां जो है दिस इज माय कैबिन। इस कैबिन में आप बैठे हुए हो, यहां पर आपको एक कंफर्टेबल फील करवाने के लिए एक लो टेम्परेचर दैट मीन्स एयर चाहिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एयर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हीट को अब्सॉर्ब करेंगे। जब यहां से हीट को अब्सॉर्ब करेंगे तो दैट मच, जब हीट अब अब्सॉर्ब होगी ऑब्वियसली बात है दैट मींस एक्चुअली जब साइकिल में हम लोग देखते हैं तो जैसे ही एक्सपेंडर जब कंप्लीट होता है, एक्सपेंशन आफ्टर एक्सपेंशन, ये जो 4 है हम लोग सीधा किसको ट्रांसमिट कर देते हैं, कैबिन को। जो ये आपकी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, 2 टाइप की होती है, एक होती है ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल
और एक क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ओपन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सीधा जैसे ही एक्सपैंडर का एग्जिट हुआ हम लोगों ने कैबिन को सप्लाई कर दिया। अब हम लोग एयर एज अ रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, जब एयर एज अ रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं तो एयर क्या करेगी, कैबिन में लो टेम्परेचर करना है तो एयर क्या करेगी वहां से हीट को पिक करेगी। जब एयर हीट को पिक करेगी तो दैट मींस उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं 4:1 दैट मींस देयर इज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। तो बस ये बात आपने क्या किया, हीट अब्सॉर्ब करी तो हीट सप्लाई हुई तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी और टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। तो दैट मींस ये जो 4:1 है इट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और इसको अगर हमें इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी निकालना है तो हम निकालेंगे H1 - H4 जो मैंने यहां पर आपको लिखा है। ठीक है, इतना आप अंडरस्टूड हैं। ये कहां से आया, इट इज कम्स फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बाय टेकिंग सम अजम्पशंस, राइट, सिंपल है। अब हमको निकालना है, हो गया यहां पर। अब हम बात करते हैं वर्क इनपुट। अब वर्क इनपुट अगर यहां पर हम देखते हैं मेरी साइकिल के अंदर, तो वर्क इनपुट मेरे क्या क्या होंगे, वर्क इनपुट मुझे क्या क्या मिलेगा, बोले सर हम लोग कह देंगे दैट मींस क्या होगा, कंप्रेसर माइनस में व्हाट, बोले सर वर्क ऑफ एक्सपेंडर। एक्सपेंडर भी आप लोगों को यहां पर लगा रहे हैं आप लोग, जैसा आपने वेपर कंप्रेशन में देखा था ओनली कंप्रेसर हम लोग यूज कर रहे, दैट्स व्हाई हम लोग यहां पर सिर्फ कंप्रेसर लेते थे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में कंप्रेसर। लेकिन यहां पर क्या है, एक्सपेंडर है, तो एक्सपेंडर दैट मींस कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। अब अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी कंप्रेसर का वर्क निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी तो मेरे पास क्या आएगा, H2 - H1, और एक्सपेंडर हम लोग निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा H3 - H4। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने देखा है मेरा 1 से लेके 2 मेरा कंप्रेसर लगा है, 3 to 4 मेरा एक्सपेंडर लगा है, तो H2 - H1 and H3 - H4 आपका ये एक्सपेंडर और कंप्रेसर वर्क आ जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं अपनी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और अब और आपकी H1 - H4। वेरी सिंपल है, देखते जाओ मैं आपको दिखाते जाता हूं, ठीक है, सिंपल, आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा कि सर ने कितना सिंपल तरीके से ये हमारे सामने किया, और वेरी सिंपल है, आप देखोगे तो खुद कह दोगे कि सर इतना सिंपल, राइट, बिल्कुल इतना सिंपल है, हो गया। अब आपने सिर्फ यहां पर ये वैल्यू निकाली और यहां पर ये वैल्यू आपने पुट कर दी, क्लियर है। अब सुनिएगा, अब हम लोगों को पता है कि सर एयर इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, इस साइकिल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। अब हम लोगों को पता है कि सर जो एयर है, एयर आपकी क्या है, बोले सर इट इज एन आइडियल गैस, एयर मेरी क्या है, एयर मेरी आइडियल गैस है। अब हम लोगों को पता है कि फॉर आइडियल गैस मैं एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी को ऐसे लिख सकता हूं, बोले सर इट इज सीपीटी। सी अब कहोगे सर व्हाट इज सीपी, सीपी इज स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज राइट, बोला सर हाँ, तो हमने लिखा कि सर एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी, इट इज सीपीटी, डीएच चेंज इन एंथैल्पी आप क्या लिखते हैं, बोले सर इट इज CpmCpdT। आप लोगों ने सुना होगा कि द हीट ट्रांसफर, या हम लोग कह दें द चेंज इन एंथैल्पी फॉर अ आइसोबारिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस, आप क्या कहते हैं, बोले सर इट इज MCpdT। तो मैंने DH को क्या लिखेंगे, MCpdT, तो H को मैंने क्या लिखा, CpT। कोई प्रॉब्लम, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मुझे ये पता चल गया कि गुरुदेव यहां पर हम लोग इसको MCpT लिख सकते हैं, तो मैं यहां पर आप कहूं कि यहां पर मैं H को टेम्परेचर की फॉर्म में लिख दूं, बोले सर हाँ, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर वेरी सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, CP हमने ऊपर से कॉमन लिया। जब सीपी हम ऊपर से कॉमन लेंगे, नीचे से भी हम सीपी कॉमन लेंगे, तो मैं कहता हूं CP से CP कैंसिल आउट हो जाएगा। बोला सर ऊपर से सीपी कॉमन लिया, नीचे से सीपी कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर मेरे पास जो टर्म आ गई, मैं कहना चाहूंगा मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, बोला सर व्हाट, मेरे पास आ जाएगा T1 - T4 डिवाइडेड बाय T2 - T1 एंड माइनस माइनस T3
माइनस टी फोर, सिंपल। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिंपल ये सारी चीजें आप लोगों को पता थी यहां तक है। अब जो इसका एक्सप्रेशन है, अब मेनली बेटा एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है। तो एक्सप्रेशन कैसे होगा अब देखिएगा। अब मैं जो भी चेंजेस करूंगा यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहां तक कुछ भी नहीं है, कोई सिंपल बच्चा आराम से कर सकता है सारी चीजें, जैसे प्रेशर वॉल्यूम और दैट मीन्स आपके पास जो प्रोसेस है वहां से आप लोग इसको बना सकते हैं। क्लियर है, यहां पर आपने बनाया। अब हम लोग यहां पर देखते हैं दैट मीन्स, अब मैं क्या करता हूं, इस वाली टर्म को टी टू माइनस टी वन एंड टी थ्री माइनस टी फोर को मैं क्या करता हूं, इस फॉर्म में लिख सकता हूं अगर आप कहें तो, इस फॉर्म में लिख सकता हूं अगर आप कहें तो। बोले सर किस फॉर्म में, देखिएगा जरा, यहां से हम लोग इसको अब लेकर चलते हैं इज इक्वल्स टू टी वन माइनस टी फोर, दैट मीन्स टी टू माइनस टी वन माइनस टी थ्री प्लस टी फोर। मेरे बच्चे लिख सकते हैं? बोलो सर डेफिनेटली लिख सकते हैं, मैंने वहां पर माइनस अंदर ले गया, अंदर माइनस ले गया तो वो प्लस हो गया। क्लियर है? अब देखो, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अब मुझे यहां पर करना है दैट मीन्स कैसे यहां पर हम लोग करेंगे कि सर अब हम लोगों ने क्या किया, इसको रब किया, जब इसको मैंने रब किया तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। बोले सर कैसे, इट इज टी टू माइनस टी थ्री एंड माइनस टी फोर टी वन माइनस टी फोर, ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है? बोले सर डेफिनेटली लिखा जा सकता है, क्योंकि देख सकते हो टी टू इसका माइनस है, मैं इसके साथ ले आया, अब मेरे पास क्या बचा, माइनस का टी वन प्लस का टी फोर, तो मैंने क्या किया यहां से माइनस कॉमन लिया, तो ये प्लस का हो गया वो माइनस का हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं। यहां पर मैंने लिखा सिंपल, वहीं से हम लोग लिखते हैं, दैट मीन्स टी टू, टी टू माइनस टी वन माइनस टी थ्री प्लस का टी फोर। अब आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में कि हाँ भाई सर किस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, हो गया यहां तक? बोले गुरुदेव बिल्कुल यहां तक हो गया। अब हम लोग यहां पर इसको फिर से लिखता हूं मैं, यहां पर मैंने लिखा टी वन माइनस टी फोर। अब देखना, अब ये टी टू माइनस टी थ्री है, टी टू माइनस टी थ्री, देन अब मैंने क्या किया, अब बचा मेरे पास माइनस टी वन प्लस में टी फोर, तो मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो टी वन प्लस का हो गया, टी फोर अगेन माइनस का हो गया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बोले सर कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, सिंपल है। अब ये एक स्टेप आपका यहां पर बढ़ गया। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, टी वन माइनस टी फोर से ऊपर डिवाइड करवा देता हूं और टी वन माइनस टी फोर से नीचे डिवाइड करवा देता हूं। जब मैं ऐसा करूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, बोले सर टी टू माइनस टी थ्री डिवाइडेड बाय टी वन माइनस टी फोर। T1 माइनस T4 एंड माइनस वन। बोलिए इसको लिखा जा सकता है ऐसे? बोले सर डेफिनेटली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां तक हम लोग सारी चीजें सिंपल हैं। अब हम लोग चलते हैं दैट मीन देयर इज अ आगे। तो हम लोगों को पता है कि सर वन टू टू जो प्रोसेस है मेरी वो कैसी है? बोले सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। जब रिवर्सिबल और कैसा है? बोले सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, राइट? अब जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो अगर मैं कहूं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन लिखो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस के लिए, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, टी टू बाय टी वन डिवाइडेड बाय पी टू बाय पी वन की पावर गामा माइनस वन ओवर गामा। अब मैं कहता हूं पी टू बाय पी वन जो है मैं इसको लिख सकता हूं कि सर इट इज वॉट, इट इज आरपी की पावर गामा माइनस वन ओवर गामा। अब आप कहेंगे सर आरपी क्या, तो यहां पर आप लिखेंगे लेट RP is the pressure ratio. RP यहां पर लिखेंगे कि बोले सर इट इज वॉट, इट इज प्रेशर
रेशियो। तो ये कहां से आया मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो मैंने क्या बोला, RP इज इक्वल्स टू P हायर बाय P लोअर। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में जो हमने PV डायग्राम आप लोगों के सामने बनाया, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज P हायर बाय P लोअर, इट इज द प्रेशर रेशियो, मैंने यही बोला ना RP। अब आप देख सकते हैं P हायर इज इक्वल्स टू व्हाट, P2 इज इक्वल्स टू P3। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ना क्या कि बोला सर इट इज P2 और इज इक्वल्स टू व्हाट P3, राइट। ऐसे ही यहां लोअर प्रेशर लिख सकते हैं हम लोग, सकते हैं P1 is equals to P4, right? तो P higher upon में P lower को मैंने क्या माना, pressure ratio, और ये क्या है P2 is equals to P3 and P1 is equals to P4। तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं, यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं P higher P lower, P2 क्या है P higher लिख सकता हूं P1 लिख सकता हूं, मैंने क्या लिख दिया it is the pressure ratio। तो इसको हम बोल देते हैं बोला सर this is my equation number second, ठीक है। अब कहोगे सर इक्वेशन फर्स्ट कहां है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब अगेन हम लोग देखते हैं अगेन 3 to 4, जो आपका 3 to 4 है वो क्या है, बोला सर एक्सपेंडर है, एक्सपेंशन भी आपका कैसा है, एक्सपेंशन भी आपका कैसा है, बोला सर रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो इसके लिए भी अगर मैं लिखता हूं टी थ्री बाई टी फोर इज इक्वल्स टू वॉट पी थ्री बाई पी फोर की पावर गामा माइनस वन ओवर गामा, तो P3 by P4 अगेन वही P2 by P1 आ जाएगा, बोला सर हाँ। तो यहां भी हम लिखेंगे कि what, बोला सर it is की पावर वाइट दिस 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 RP, क्लियर है। तो ये मेरे पास हो जाएगा बोला सर इक्वेशन नंबर थर्ड, यहां तक कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। बहुत सारे ये आइडियल गैस इक्वेशन आप लिख कर आए हैं, उनमें कोई आपको दिक्कत नहीं आ जाएगी, राइट। चले तो ये दोनों हम लोगों के करने के बाद हम लोगों को दिखा कि भाई इक्वेशन वन एंड टू आर सेम, तो हम लोग की गए इक्वेटिंग इक्वेशन टू एंड थर्ड, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद हम लोगों को पता चला कि T2 by T1 is equals to what T3 by T4, राइट। कोई प्रॉब्लम, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक हम लोगों को पता चल गया, बोले सर हाँ। अब हम लोग को पता चल गया T2 by T1 is equals to what T3 by T4, तो अगर आप कहो तो मैं इसको बेटा ऐसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, बोला सर T2 माइनस में T3 एंड T1 माइनस में T4, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलता बिल्कुल लिख सकते हैं, इट इज द कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल, ठीक हो गया। तो जब ये ऐसे है तो ये ऐसे भी इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा, तो हम लिख देंगे T2 माइनस T3 एंड T3 बाय T4, क्लियर है। तो अब हमको पता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, बोला सर इट इज व्हाट RP की पावर गामा माइनस वन ओवर गामा, बोला सर हाँ, क्योंकि T2 इसके बराबर है, T3 इसके बराबर है, तो वो किसके बराबर होगा, तो सर जब ये इसके बराबर है तो वो उसके बराबर होगा, बिल्कुल हाँ। तो अब आ जाओ आप इक्वेशन नंबर वन में, दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है T2 by T3 T1 minus T4, तो आपके पास यहां पर क्या आया, क्या आया आपके पास यहां पर, बोला सर मेरे पास आया RP की पावर गामा माइनस वन, सिंपल। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर हमने लिखा कि सर COP ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल और बैल कॉलमन साइकिल क्या हो गया, वन डिवाइडेड बाय RP की पावर गामा माइनस वन ओवर गामा माइनस वन माइनस वन, गॉट इट। राइट तो COP इज RBC 1 अपॉन में RP की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा माइनस 1, तो ये क्या है, इट इज द COP ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल और बैल कॉलमन साइकिल। तो होप सो यहां तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंपल था ना, ज्यादा मैंने यहां पर आपके स्टेप्स लिए, ना ज्यादा मैंने यहां पर आपको दैट मींस बहुत सारे करवाए, क्लियर है। तो अब हम लोगों ने देखा कि हम लोग COP यहां पर निकाल गए हैं, तो जो सेमेस्टर वाले बंजे हैं वो दैट मींस इस तरीके से पूरी COP निकाल सकते हैं जितना मैं लिखा। और हां अब कहेंगे सर ये वाला पार्ट हमको करके दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल बेटा ये वाला पार्ट आपको करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज दैट मींस वो गलत कर देगा, गॉट इट, राइट। चले आगे, चलिए अब हम लोग चलते हैं, दैट मींस यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं सर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले शेयरों के लिए कि बोले सर यहां से कॉम्पिटिटिव में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये मेरी तरफ से थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा जो हम लोग बात कर रहे हैं।
तो रिवर्स कॉलम, रिवर्स ब्रेटन साइकिल और बैल कॉलमन साइकिल। तो हम लोगों ने यहां पर देखा बैल कॉलमन, तो यहां पर आपने देखा सीओपी क्या हुई, बोले सर इट इज वन माई वन की पावर आरपी की पावर गामा माइनस वन ओवर गामा इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, अब अगर कोई एग्जामिनर मुझसे कहता है बेटा कि इफ इफ प्रेशर रेशियो इज इक्वल्स टू वन, अगर प्रेशर रेशियो भैया आपका वन है तो देन व्हाट इज द सीओपी ऑफ, देन द व्हाट इज द सीओपी ऑफ बैल कॉलमन साइकिल एंड दिस व्हाट, बताइए। तो वन पुट कर दीजिए, तो वन की पावर सब कुछ भी है वन, तो वन माइनस वन जीरो, तो वन बाय जीरो, तो वन बाय जीरो क्या होगा, तो आप कहेंगे बोले सर इट इज इनफाइनाइट। तो अगर प्रेशर रेशियो अगर आप वन रखते हैं, अगर हम प्रेशर रेशियो यहां पर अगर बेटा वन रखते हैं, तो बेटा मेरी जो सीओपी है बैल कॉलमन साइकिल की वो क्या आ रही है भैया, क्या आ रही है, बोले सर सीओपी जो है वो मेरी इनफाइनाइट आ रही है। क्या आ रही है, इनफाइनाइट। तो अगर मेरे बच्चे, मैं क्या करता हूं, एक डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम बनाता हूं, ग्राफ बनाते हैं सीओपी ऑफ रिवर्स ब्रेटन और बैल कॉलमन साइकिल और किसके बारे में, प्रेशर रेशियो के बारे में। तो अगर प्रेशर रेशियो वन है तो आपकी सीओपी कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो अगर हम इनफाइनाइट की बात करें तो इनफाइनाइट तो ग्राफ में हम कहीं दिखा ही नहीं सकते हैं शेर, बोला गुरुदेव बिल्कुल हम इनफाइनाइट कहीं नहीं दिखा सकते हैं। तो हम लोग क्या दिखाएंगे, एक डॉटेड लाइन से दिखाएंगे कि कहीं पता नहीं कहां पे है कहां पे नहीं है, वी डोंट, अनंत है, हमें कुछ नहीं पता, क्लियर है। तो ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद एग्जामिनर कह देता है कि इफ, फिर उसके बाद एग्जामिनर कह देता है कि इफ प्रेशर रेशियो इंक्रीजेस, इफ प्रेशर रेशियो इंक्रीजेस, अगर आप प्रेशर रेशियो बढ़ाते हैं, प्रेशर रेशियो बढ़ाते हैं, देन व्हाट अबाउट, देन व्हाट अबाउट सीओपी ऑफ, सीओपी ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल या बैल कॉलमन साइकिल। तो देन बेटा जो सीओपी होगी आपकी वो क्या करेगी, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बताइए जरा, बताइए जरा। तो बोला गुरुदेव यहां पर हम लोग सीधा सीधा देख सकते हैं आरपी आपका किस में है, डिनोमिनेटर में, राइट। तो हम लोग कह देंगे कि सर यहां से आरपी हम डिनोमिनेटर में बढ़ाएंगे, वी आर इंक्रीजिंग दिस पावर, दिस ना, वी आर इंक्रीजिंग दिस, हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं। जब इसको बढ़ाओगे तो नीचे की जो से है वो सारी बढ़ेगी, जब नीचे का सिस्टम बढ़ेगा तो सीओपी आपकी क्या करेगी भैया, सीओपी आपकी क्या करेगी, बोले सर सीओपी मेरी डिक्रीज करेगी। तो हम लोग यहां से दिखा सकते हैं, यहां से अगर मैं दिखाना चाहूं आपको तो यहां से आप दिखा सकते हैं कि वन पर कुछ कहीं पर ऐसे थी, उसके बाद जैसे 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 उसके बाद जैसे जैसे बोला गुरुदेव हम लोग क्या करें, हम लोगों ने आरपी बढ़ाया तो मेरी सीओपी क्या करती गई, आरपी बढ़ाने के बाद मेरी सीओपी डिक्रीज करती गई। और ये क्या है, कहीं अनंत से आ रहा है, मैं थोड़ा सा और इसको डॉट डॉट कर देता हूं सो दैट हमको कोई दिक्कत ना हो, क्लियर है। और छोटा छोटा सॉरी आप तो चाहते ही हो, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी डॉटेड है, कहीं ऊपर से आ रही है और आपकी ये सीओपी घटती जाएगी। तो ये क्या है, जो कॉम्पिटिटिव बच्चे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर सीओपी आपका एक्सप्रेशन ये हो गया, आरपी वन है तो ये कितनी सीओपी होगी और आरपी इतना है, तो ये डायग्राम भी कई बार आपसे पूछ लेता है। एंड दिस ग्राफ इज बिटवीन प्रेशर रेशियो एंड सीओपी। और आ जाओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों, फिर पूछ लेता है कि सर मैं बात कर रहा था एप्लीकेशन, तो जो एप्लीकेशन है आपके रिवर्स ब्रेटन साइकिल के, तो वो एप्लीकेशन आपके कहां है। तो बोला गुरुदेव हम लोग कह देंगे कि सर दिस साइकिल इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। तो क्यों, अब कहेंगे सर क्यों एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर क्यों की जाती है, तो कह देंगे बिकॉज इट्स लो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसका जो वेट होता है, जो हम एक रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, बस ये बात है, आपका जो रेफ्रिजरेंट है उसका एक वेट होगा, तो वेट जो है वो क्या है रेफ्रिजरेशन के लिए, पर टन रेफ्रिजरेशन के लिए क्या है, बहुत कम है, दैट्स व्हाई हम इसको यूज करते हैं। दूसरा, आसानी से ये आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। तीसरा, हम लोगों को कहते हैं कि हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं है कि सप्लाई करके ऊपर ले जाना पड़े, कुछ इकट्ठा करके हम लोगों को ऊपर ले जाना पड़ेगा, वो आपको इजीली वहीं पर आराम से आपको मिल जाएगा।
और एक एप्लीकेशन आपका ये आ गया। दूसरा हम लोग कहते हैं इट इज ऑल्सो यूज फॉर द गैस लिक्विफिकेशन। आप कहोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय द गैस लिक्विफिकेशन, जो आपकी गैस है उसको हमें अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है या उसका कंडेंसेशन अगर करना है तो हम लोग इस प्रोसेस को यूज करते हैं, प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दो ही बहुत एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो हम लोग कह देंगे तो एप्लीकेशन आप कहेंगे बोले सर एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन, और सेकेंड हम लोग कह देंगे क्या बोले सर इट इज फॉर द गैस लिक्विफिकेशन। गॉट इट मेरे शेयर राइट बोले सर हाँ। तो होप सो आप लोगों को बैल कोलमन साइकिल पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दैट मींस प्रोसेस से लेके कंपोनेंट से लेके आपको सीओपी तक, तो हम लोगों ने प्रोसेसेस डिस्कस कर ली, एक्सप्रेशन देख लिया, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम देख लिया, और इसके एप्लीकेशंस देख लिए कि कौन कौन से एप्लीकेशन हम इनको कहां कहां यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट दोनों के लिए, ये जो वीडियो है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सेमेस्टर एग्जाम वाला हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला हो। तो आज के लिए मैं फिर इतना ही रखूंगा, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम नमस्कार मेरे दोस्तों।